क्या किया तुमने गुनगुन के साथ? पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतना बड़ा घर है और मीटिंग के लिए यहाँ खोपचे में आई हैं। आज आप बता ही दीजिए। मतलब? मतलब ये कि मैंने पूरा घर चेक किया था, ना माइक्रोफोन्स हैं ना कैमरास। तो बता ही दीजिए कि घर में कोई भूत भूत तो नहीं? भूत? शट अप हृदय, जो पूछ रही हूँ उतना बताओ, क्या किया है तुमने गुनगुन के साथ? उसका पूरा इंतजाम कर दिया है और इस बार पक्का वाला। और खून तो ताजा लग रहा है। गुनगुन इसी का डर है। आप गुनगुन की टेंशन मत लो, और जो आपको उसके लिए कुंवारी माँ बन के घूमना पड़ता था उसकी भी छुट्टी कर दी है। आप बस अपने और मोहन के रिश्ते पर ध्यान दीजिए और ऐश कीजिए। आखिरी बार पूछ रही हूँ, सीधा सीधा बताओ कि क्या किया है तुमने गुनगुन के साथ? अरे आराम से दामिनी जी, आराम से लग जाएगी हमारे बेटे को। गुनगुन तो गई और राधा भी जाएगी मेरे साथ। खुशी मनाइए कि जिस काम के लिए आप मुझे यहां लाई थी वो पूरा हो गया, और बल्कि दुगना काम करके दे रहा हूं मुफ्त में। तुम बेवकूफ हो क्या? गुनगुन कोई आम लड़की नहीं है, मोहन त्रिवेदी की बेटी है। अगर मोहन को पता चल गया कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो ये दुनिया भागने के लिए छोटी पड़ जाएगी तुम्हारे लिए। और तुम जानते नहीं हो मोहन, वो जमीन आसमान एक कर देगा लेकिन अपनी बेटी को ढूंढकर निकाल ही लेगा। समझी? चलो मोहन। और अगर वो जमीन पर ही ना हो तो? मैंने गुनगुन को नीचे जमीन के बहुत नीचे भेज दिया है। मार दिया। लगता है गुनगुन मिल गई, या शायद उसकी लाश मिल गई। मम्मा, इसने मार दिया गुनगुन को, इसने सच में मार दिया गुनगुन को। शांत हो जा, तू यहाँ रुक, मैं देख कर आती हूँ। हाँ, मैं देख कर आती हूँ।